मैं टाइम पे पहुंच गया हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू। तो अल्लाह का शुक्र है मैं पहुंच गया हूँ। और चीज़ ये है कि कुछ रिक्वेस्ट थी मेरी सुप्रीम कोर्ट की से एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, और वो रिक्वेस्ट ये है कि हमें इस मुल्क को आगे लेके जाने के लिए सेंसिबल डिसीजन मेकिंग एंड जस्ट डिसीजन मेकिंग करनी है, क्योंकि अगर उसके अंदर बैलेंस मेंटेन नहीं किया गया तो ज़िंदगी भर हम लोग ग़ुलाम रहेंगे, हमारी नस्लें ग़ुलाम रहेंगी, और आज के दिन पे एक काला दिन समझा जाएगा जो कल डिसीजन मेकिंग हुई है। और डिसीजन मेकिंग के साथ मसला क्या है, 10 से 15 दिन पहले एक पटिशन फाइल किया गया था या एक केस फाइल किया गया था कि जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है उसको रोका जाए। उसको रोकने का रीज़न ये है कि अगर किसी बंदे ने वोट किसी इलाके से लिया है, किसी पार्टी के बैनर के अंडर लिया है, तो क्या वो बंदा किसी और पार्टी को जाके ज्वाइन कर सकता है? ये तो प्राइवेट कंपनी में नहीं होता कि मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हुए सैलरी वहाँ से लूँ और उसके बजाय काम किसी और कंपनी के लिए करूँ, ये तो खुला तजाद है। तो इस चीज़ को जो है मना, इस चीज़ का अलाव ही नहीं होना चाहिए। इन लोगों को फर्स्ट अपनी पार्टी से रिज़ाइन करना चाहिए और फिर ये लोग जाएं कहीं जाएं। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन क्यों नहीं लिया जब इतने अरसे से, ये तो बहुत एक लेमैन भी समझ सकता है। और दूसरी चीज़ जो फॉरेन इंटरफेरेंस की हो रही है, जब इसके ऊपर सारे खत, सारी एजेंसी, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो इसके ऊपर क्यों जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है उसके अंदर इस चीज़ को इंक्लूड क्यों नहीं किया गया, इसके ऊपर नज़रसानी क्यों नहीं की गई? क्योंकि अगर इसके ऊपर आप सुपरसीड कर देंगे तो वो जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है उसकी तो कुछ मायने रहते ही नहीं। तो प्लीज़ हमारी नस्लों के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारी इस 25 करोड़ अवाम के लिए, हम आपसे हाथ जोड़ के जस्टिस सिस्टम से, बाकी सारे इंस्टीट्यूशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें नया होनी चाहिए, वरना पाकिस्तान आगे जो हमने ख्वाब देखा था एक ज़बरदस्त पाकिस्तान का, वो असल में भी मर जाएगा और हमारे अंदर भी तबाह हो जाएगा।